तो यार आज मैं पहली बार अपने चैनल पे जुजुत्सु काइजेन की मांगा को कवर करूंगा। मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे इसको और वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट करके बताओगे कि आप लोगों को मेरा नरेशन कैसा लगा। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सुकुना और इतादोरी की फाइट के बीच में फाइनली जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था यानी कि अभी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल ग्रेड का सॉर्सरर युता की एंट्री होती है बैटल ग्राउंड में और आते ही वो और रीका सुकुना पर टूट पड़ते हैं। सुकुना भी रीका को एक्नॉलेज करके बोलता है कि फाइनली क्वीन ऑफ कर्सेस आ गई और यहीं पे चैप्टर 248 खत्म हुआ था। चैप्टर 249 के लीक्स निकल के आ चुके हैं एंड किंग ऑफ कर्सेस सुकुना एंड क्वीन ऑफ कर्सेस रीका उनकी फाइट कंटिन्यू होती है इस चैप्टर में। मगर उससे पहले हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब युता ने केंजाकू का सर काटा था। उसके ठीक बाद केंजाकू के अंदर जितने भी कर स्पिरिट थी वो सारी रिलीज हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल जाना चालू हो जाती है। युता रीका से कहता है कि वो उन स्पिरिट्स को ठिकाने लगा है, बट उतने में ही हम देखते हैं कि केंजाकू का कटा हुआ सर अब भी जिंदा है और वो कोगाने से कह के एक नया रूल ऐड कर देता है कि फुशीगुरो यानी कि सुकुना को ये पावर दे दो कि वो इंसान और टेंजन का मर्जर एक्टिवेट कर सके। केंजाकू बताता है कि उसने ऑलरेडी ये बैकअप प्लान रेडी कर रखा था और तभी केंजाकू अपने अंदर से बेबी टेंजन को निकालता है और उसे सुकुना की तरफ फेंक देता है और तभी युता फाइनली केंजाकू के माथे पे छुरा भोंक कर उसे खत्म कर देती है। यहीं पे फ्लैशबैक खत्म होता है। युता वर्सेस सुकुना की फाइट वापस शुरू होती है। युता नोटिस करता है कि धीरे धीरे सुकुना की एनर्जी वापस नॉर्मल हो रही है और जल्द ही वो अपना डोमेन यूज कर पाएगा और उसके ऊपर से हिगुरुमा की भी डेथ हो गई है। ये सबका दोष युता खुद पर डालता है, खुद को कोसता है कि आखिरकार क्यों मैंने पहले हिगुरुमा के प्लान में साथ नहीं दिया, क्यों मैं सुकुना से फाइट करने पहले नहीं आया। केंजाकू को तो माँ की भी फिनिश कर सकती थी। बट फिर युता खुद को समझाता है कि जो होना था हो गया। अगर माँ की केंजाकू को मार भी देती फिर भी वो उन आउट ऑफ कंट्रोल हुए कर स्पिरिट को नहीं हरा पाती जो मैंने और रीका ने मिलकर खत्म किया। मगर फिर भी युता खुद को कोसता है कि उसकी ये खुद की सेल्फिश इच्छा थी कि वो केंजाकू को अपने हाथों से खत्म करे एंड उसी इच्छा की वजह से आज ये हाल है सबका। खुद पे इतना रिग्रेट करने के बाद युता पूरी सीरीज में पहली बार फाइनली अपना डोमेन खोलता है जिसका नाम होता है ट्रू एंड म्यूचुअल लव, सच्चा और दो तरफा प्यार। सुकुना युता के डोमेन को काउंटर करने के लिए होलो विस्कर बास्केट यूज करता है लेकिन युता तेजी से सुकुना को थिन आइस ब्रेकर अटैक से हिट करता है जो उसने औरों से कॉपी किया था। सुकुना युता को पहचान लेता है मेगुमी की मेमोरी से कि ये वही सॉर्सरर है जिसकी एबिलिटी है कि वो दूसरों के अटैक्स को कॉपी कर सकता है। युता के अटैक से सुकुना का फेस थोड़ा सा डैमेज हो जाता है और वो युता का प्लान समझ जाता है कि वो क्या करने की कोशिश में है। युता का प्लान ये होता है कि जब सुकुना के हाथ और मुंह होलो विस्कर बास्केट को मेंटेन करने में बिजी रहेंगे तब हर पल हर सेकंड वो दूसरे कर्स की एबिलिटीज का इस्तेमाल करके सुकुना पे किलर अटैक्स करता रहेगा और लास्ट में जब सुकुना बिल्कुल घायल हो चुका होगा तब इतादोरी आके फाइनल हिट करेगा और मेगोमी की बॉडी से सुकुना के सोल को ही निकाल फेंकेगा। ये पहली बार हमें इतादोरी की एबिलिटी का पता चल रहा है कि उसके पंचेस उसके हिट्स डायरेक्टली उसके अपोनेंट के सोल पे लैंड करते हैं। ये सुकुना खुद कंफर्म करता है क्योंकि जब लास्ट टाइम इतादोरी ने सुकुना को पंच मारा था तब सुकुना के अंदर की सोल पूरी तरह से हिल गई थी। आखिरी में सुकुना इतादोरी को रोस्ट मारते हुए बोलता है कि अब आखिरकार 249 चैप्टर्स के बाद तुझे एक प्रोटैगनिस्ट जैसा रोल मिला है और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। मेरे ख्याल से अब जाकर स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चालू हुई है। इतादोरी की कर्स टेक्निक इतने चैप्टर्स बाद रिवील हुई है फर्स्ट टाइम। अब तक वो एक बहुत ही ठीक ठाक प्रोटैगनिस्ट था बट अब देखते हैं आगे ये बंदा क्या जलवे दिखाता है। नेक्स्ट चैप्टर क्या इतादोरी और युता का प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा या सुकुना पूरा गेम ही पलट देगा। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है चैप्टर 250 में क्या होगा और ये भी बताना कि मुझे जुजुत्सु काइसेन पे और वीडियोस बनाना चाहिए या नहीं। अब मैं अपने पर्सनल लाइफ में फॉलो करता हूँ जुजुत्सु काइसेन, तो अगर तुम लोग को लगेगा कि मुझे और वीडियोस बनाना चाहिए, मांगा को कवर करना चाहिए, तो मैं कवर करूंगा। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।